लखीमपुर खीरी में हुए उपद्रव व बवाल की बयार अब रायबरेली पहुंच चुकी है। लखनऊ में जहां धरने पर बैठे अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, वहीं पुलिस के हिरासत में लिए जाने के विरोध में रायबरेली के सपाई डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि सपा मुखिया को छोड़ने की मांग को लेकर धरना शुरू हुआ और लगातार अभी भी जारी है। घंटों बीत जाने के बाद भी सपाइयों का धरने पर बैठना जायज या नाजायज ये आकलन करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। पर योगी मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वहीं कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सपाई लगातार सरकार के विरोध में व किसानों के समर्थन में दिखे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को रिहाई की मांग को लेकर लगातार सपाई धरने पर बैठे हुए हैं। बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में सपाइयों का धरने पर बैठना कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि रायबरेली में कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर नहीं बैठे। वहीं जब इस बात का पता लगाया गया तो पता चला कि ज़्यादातर कांग्रेसी लखनऊ में धरने पर बैठे हैं।